मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को दिनांक 26 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। आपके जीवन में अगर कोई समस्या, दुख, तकलीफ, कमी या किसी प्रकार का बंधन हो तो वो खुल जाए और सभी दुख तकलीफें समाप्त हो जाए। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति रिद्धि सिद्धि सब रहे और आप निरोगी रहे। पर आपके पूरे परिवार पर माँ की आशीर्वाद की कृपा बनी रहे, यह मैं आपके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको इस वीडियो में इस नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और माता किस वाहन पर सवार होकर आएगी और उसका क्या फल होगा आदि, और 9 दिन में दुर्गा माता के 9 रूपों के पूजन के विषय में बताऊंगा। और नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और क्या विधि रहती है यह भी मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रि में भूलकर भी आपको क्या काम करना नहीं है और क्या काम करना चाहिए यह मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में भूलकर भी आप क्या काम करें और क्या काम ना करें। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इस नवरात्रि में कैसे और क्या करके आप माँ का आशीर्वाद पा सकते हैं। सबसे पहले मैं 9 दिनों में पूजा जाने वाले माता के 9 रूपों का एक श्लोक बोलकर वीडियो की शुरुआत करूंगा, ध्यान धरूंगा और माँ का आशीर्वाद मिले ऐसी प्रार्थना भी करूंगा। अगर आप भी चाहे तो माता का ध्यान धरकर अपने हाथ जोड़कर मेरे साथ में आप श्लोक बोल सकते हैं तो अवश्य बोले, या फिर शांत मन से हाथ जोड़कर बैठे और मैं श्लोक बोलूंगा, आप शांति से सुने और माँ का ध्यान करें, फिर आगे बढ़ेंगे और नवरात्रि के बारे में जानकारी देखेंगे। मेरा यह वीडियो खास नवरात्रि स्पेशल है, इसको पूरा ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको देखने के बाद में अच्छा लगे तो माता का आशीर्वाद पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय अम्बे माँ या फिर जय दुर्गा माँ या फिर आप जिस माता की भी पूजा करें उनके नाम से एक जयकारा जरूर लिखें। अब आप तैयार हो जाएं, हाथ जोड़ें, मैं श्लोक बोल रहा हूँ। श्लोक आप जो है वह स्क्रीन पर भी देखेंगे, देख रहे हैं, आप इसको भी देख कर पढ़ें और नवरात्रि की शुरुआत शुभ करे। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुशमंडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिर्तिता जय माता दी। ओम नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम नमोस्तुभ्यम। हिंदू संस्कृति में देवी दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शक्ति दायिनी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए साल के दो जो है पखवाड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक होता है चैत्र नवरात्रा और दूसरा है यह जो अभी आने वाला है, चल रहा है, शारदीय नवरात्रा होता है। चैत्र नवरात्रा चैत्र माह में मनाया जाता है जबकि शारदीय जो नवरात्रा होता है वह अश्विन महीने में यानी आशोज महीने में मनाया जाता है। नवरात्रि के समय में जब जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है तो इसे कष्टों और जीवन की परेशानियों का हरण करने के रूप में मनाया जाता है या माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर देखें तो माँ दुर्गा शक्ति और सतत चक्र की ऊर्जा देने वाली माता है। 2022 नवरात्रि में आप भी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की या माँ अंबाजी की या अपने किसी कुलदेवी माता की या और जो माता आप करते हैं उनकी पूजा करें और दुर्गा माता के जो 9 रूप माने गए हैं उनकी आराधना पूजा अवश्य करें। इस साल 2022 में अश्विन मास के नवरात्रा 26 सितंबर 2022 सोमवार को शुरू होंगे
और 4 अक्टूबर को दुर्गा नवमी मनाई जाएगी और नवमी मनाने के साथ ही नवरात्रि भी संपूर्ण हो जाएगी। 5 सितंबर 2022 को बुराई पर अच्छाई की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व दशहरा खूब धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। इसके साथ ही दशहरा मनाने के साथ ही नवरात्रि भी संपूर्ण हो जाएगी। इस साल 2022 में घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर सोमवार को इस प्रकार से रहेगा। आप ध्यान से देखें, अगर आप दुर्गा माता की, अम्बा माता की या किसी भी माता की अपने घर में स्थापना करते हैं या घट स्थापना करते हैं, तो मैं जो अब मुहूर्त बता रहा हूँ आप ध्यान से देखें। इस मुहूर्त में अगर घट स्थापना करेंगे तो आपके लिए वह स्थापना या पूजा वह बहुत शुभ फल देने वाली रहेगी। इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 26 सितंबर को सुबह 3:24 से शुरू होगी और अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। नवरात्रा में प्रतिपदा के दिन किस किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है यह मैं आपको बता रहा हूं। आप देखें, अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार को है और घट स्थापना भी सोमवार को होगी। घट स्थापना का मुहूर्त जो है चौगड़िया में स्थापना जो है शुभ के चौगड़िया में स्थापना की जा सकती है। और वो समय क्या होगा जो सोमवार के दिन के अच्छे चौगड़िया हैं, मैं अभी चौगड़िया का समय बता देता हूँ और अभिजीत मुहूर्त का समय बता देता हूँ। आप इस समय में घर में घट स्थापना कर सकते हैं। 26 सितंबर 2022 को जो 3 शुभ चौगड़िये रहेंगे मैं आपको उसका बता देता हूँ। सुबह 6:28 से 7:42 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद में काल का चौगड़िया शुरू होगा, इसलिए 6:28 से 7:42 के बीच में अमृत के चौगड़िये में घट स्थापना करना सर्वोत्तम शुभ फलदायक रहेगा। 7:58 से 9:29 का राहु काल भी रहेगा, इसलिए जब तक अमृत का चौगड़िया जो मैंने आपको समय बताया है 6:28 सुबह से लेकर सुबह 7:42 तक का अमृत का चौगड़िया रहेगा, इसमें घट स्थापना करना बेहद शुभ रहेगा। दूसरा जो है सुबह 9:30 से 11 बजे तक का शुभ का उत्तम चौगड़िया रहेगा और उसके बाद में लगातार यानी कि शुभ के चौगड़िए के बाद में लगातार जो दो चौगड़िया हैं वह रोग और उद्वेग के रहेंगे। इसलिए शुभ का जो चौगड़िया रहेगा 9:30 से दिन में 11 बजे के बीच में, इसमें भी आप घट स्थापना करेंगे तो उसका बड़ा उत्तम और शुभ फल मिलेगा। दोपहर में 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, तो आप चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना या माता जी की स्थापना कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा फल देने वाला रहेगा। उसके बाद में दोपहर 12:41 से यानी कि 12:41 से 2:45 तक धनु लग्न रहेगा। धनु लग्न में भी आप घट स्थापना करेंगे तो वह भी शुभ फलदायक रहेगी। इस साल की जो घट स्थापना का मुहूर्त था मैंने अभी आपको बताया, आप इस मुहूर्त में घट स्थापना करें, पूजा करें, दुर्गा माता की, अम्बा माता की, कुलदेवी माता की स्थापना करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस साल की शारदीय नवरात्रा बेहद खास है। माँ दुर्गा का जो आगमन है हर साल हम देखते हैं कि किस वाहन पर माता आती है और उस वाहन पर आने से उस वर्ष क्या बीतता है, क्या फल मिलता है, यह मैं हर बार दुर्गा ये अपने नवरात्रि में बताया करता हूँ। इस बार की जो नवरात्रि है शारदीय नवरात्रा 2022 का, इसमें माँ दुर्गा का जो आगमन है इस साल हाथी पर हो रहा है। जब नवरात्रि सोमवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा की यह सवारी अपार सुख समृद्धि लेकर आती है, इससे शांति और सुख का माहौल बनता है। इस लिहाज से यह नवरात्रि देश और देशवासियों के लिए बेहद शुभ और अच्छा फल देने वाली साबित होगी।
अभी तक आपने इस साल में अश्विन नवरात्रा में घट स्थापना का मुहूर्त और माता का वाहन क्या है, उसका फल क्या है, यह देखा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नवरात्रि को कैसे हम माँ दुर्गा, माँ अंबाजी को या कुलदेवी माता की स्थापना करके उनको खुश करके घर में शुभ मंगल और रिद्धि सिद्धि करके प्राप्त कर सकते हैं। माँ के आशीर्वाद के साथ में हम जो भी है सब कुछ अच्छा घर के अंदर रहे, परिवार में रहे, व्यापार में रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो नवरात्रि के जो पहले 9 दिन होते हैं उसमें किस किस देवी की पूजा की जाती है यह मैं आपको पहले बता देता हूँ कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उसमें शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। दूसरा जो दिन होता है वह ब्रह्मचारिणी माता का होता है। तीसरा जो दिन होता है चंद्रघंटा माता का होता है। चौथा जो दिन होता है वह कुशामंडा का होता है। पांचवा जो दिन होता है स्कंद माता का होता है। छठा होता है कात्यायनी माता का और सातवां होता है कालरात्रि माता का। आठवां महागौरी माता का और नौवां सिद्धिदात्री माता का दिन होता है। तो यह जो 9 रूप है यह 9 के 9 रूप जो है दुर्गा माता के माने गए हैं। अब मैं आपको जो है घट स्थापना में पूजा कैसे करते हैं, घट स्थापना कैसे करते हैं, माता जी की स्थापना कैसे करते हैं, उसके बाद में मैं आपका ये सारा जो है पूरा विधि बता देता हूँ कि घट स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, जो संपूर्ण विधि विधान के साथ में अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा यह वीडियो ध्यान से देखें। जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा करें तो इससे क्या है कि पूरे विधि विधान के साथ में आपके घर में घट स्थापना हो जाएगी और उसका सुफल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन जिस दिन घट स्थापना करना हो, भूमि माता और इष्ट देव का कुलदेवी माता को नमन करना, नमन करते हुए उसके बाद में एक कलश के अंदर आम के जो पत्ते हैं उसके मुंह पर चारों तरफ लगा दें, उसमें फिर जल भर दें, फिर सुपारी है, सिक्का है, अक्षत यानी चावल है, पुष्प है, नारियल आदि सामग्री एकत्रित करके कलश स्थापित किया जाता है, धूप दीप किया जाता है तथा देवी के सभी रूपों का स्मरण किया जाता है। घट स्थापना करते समय यह मंत्र बोलते हुए संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मंत्र जो है आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, इसको देखकर आप भी पढ़ें और संकल्प के साथ घट स्थापना करें तो यह पूर्ण विधि विधान के साथ में स्थापना होगी। जहां पर मैं मेरा नाम ले रहा हूं या कोई जगह का शहर का नाम ले रहा हूं वहां आप अपने अपने नाम अपने ले सकते हैं, अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं, अपने स्थान का नाम ले सकते हैं, अपने शहर गांव का नाम ले सकते हैं। तो मैं जो मंत्र बोल रहा हूं उसके पहले आपको क्या करना है यह देखें कि दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले, पुष्प ले, एक सिक्का रखें और थोड़े चावल लेकर मुट्ठी को बंद कर लें और उसके बाद में मैं जैसा मंत्र पढ़ रहा हूँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह आप पढ़ें। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु ओम अद्य ब्राह्मण हो द्वितीय परार्धेश्वरी श्वेतवाराह कल्पे वेवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशवितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य जोधपुर नगरे। यहाँ मैंने मेरे जोधपुर शहर का नाम लिया है। आप जिस शहर में रहते हैं उस जगह का नाम आप या शहर का गांव का नाम ले सकते हैं। जोधपुर नगरे बोधावतारे वीर विक्रमादित्य नृपते 2079 नल नाम संवंतरे दक्षिणायने सूर्य शरद ऋतो महामंगल्य पर्दे मासानाम मासौत मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथो सोमवासरे ओसवाल जैन गोत्र। मैंने अभी यहाँ पर मेरे गोत्र का नाम लिया, आप अपनी गोत्र का नाम ले सकते हैं। गोत्रोत्पन्नोह यति वर्य कुमार विजय, यहाँ मैंने मेरा नाम लिया है, आप अपना नाम लेकर के नाम ले सकते हैं। सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमितः सर्व मंगल कामनाया श्रुति स्मृत्योक्त फल प्राप्त्यर्थ मनोक्षिप्त कार्य सिद्धियर्थ श्री अम्बे माता। आप जिस देवी माता की स्थापना कर रहे हैं उस देवी माता का पूजा कर रहे हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, उनका नाम ले और फिर पूजन पूजनम च अहम करिष्ये तत्व पूर्व गणत्वेह, ऐसा करके वो जो हाथ में सामान है वह देवी माता के आगे आप छोड़ दें। अगर आप
मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप बिना मंत्र के ही गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करें और साथ में वरुण देवता का भी ध्यान करें। इसके बाद में कलश के मुख पर कलावा बांधे, मोली बांधे और फिर एक कटोरी से कलश को ढक देना चाहिए। इसके बाद ढकी हुई कटोरी में जो भरिए जाऊ, जो कलश के ऊपर आपने कटोरी ढकी उसमें जाऊ भरी है, एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में लपेट कर कलावे से बांध देना चाहिए। फिर उस नारियल को जौ से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन कलश का जो जल है वह घर के प्रत्येक जगह पर छिड़के और अंत में कन्या भोजन कराकर सभी को प्रसाद वितरण करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रत्येक दिन का महत्व अलग अलग होता है। पहले तीन दिन घट स्थापना को समर्पित रहते हैं। इन दिनों में मिट्टी के एक पात्र को लेकर उसमें जौ बोए जाते हैं। यह घट स्थापना के रूप में माना जाता है, यानी कि जौ का बोना मिट्टी के बर्तन में यह घट स्थापना माना जाता है। चौथा, पांचवा और छठा दिन, यह तीन दिन जो है ज्ञान और समृद्धि और धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित किए जाते हैं। सातवां और आठवां दिन जो है सरस्वती माता की पूजा की जाती है। भक्त देवी भक्तजन जो है देवी बुद्धि और ज्ञान हासिल करने के लिए पूजा करते हैं। यज्ञ नवरात्रि के आठवें दिन किया जाता है। नवरात्रि का आठवां दिन लोकप्रिय अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन पर नौ नन्ही बालिकाओं को पवित्र भोजन करवा करके उनको माता का रूप माना जाता है और माता के नौ रूपों को भोजन करवाया है। ऐसा छोटी छोटी बालिकाओं को बच्चियों को भोजन करवाना चाहिए। इन कन्याओं को देवी माता का स्वरूप माना जाता है। महानवमी नवरात्रि के पालन के साथ समाप्त हो जाती है। कुछ लोग इस दिन भी कन्या भोजन का अनुष्ठान करते हैं। तो अष्टमी को और नवमी को आप जब चाहें क्या है कि छोटी बच्चियों को, नौ बच्चियों को भोजन कराएं, उनके हाथ में दक्षिणा दें, उनको केले फल या हाथ में कुछ भी देवे। नव दुर्गा के समय जो पूजा नव दिनों की जाती है उसके माध्यम से नवग्रह भी शांति हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में नवग्रह में कोई अशुभ ग्रह है तो आप इन नौ दिनों में अपने ग्रहों की शांति जरूर करवाएं। इससे आपका जो है आगे का रास्ता, जो अशुभ ग्रह अशुभ फल दे रहे थे उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे करते शुभ फल देना शुरू करेंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो देवी के जो नौ रूप है उनको अगर माने तो नौ ग्रह भी उनको मानकर नौ ग्रहों के पूजा की जा सकती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की भी शांति उसमें हो जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार अगर मैं कहूं आपको तो महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को अत्यधिक पीड़ित आतंकित कर रखा था। उसके बचाव का उपाय न देखकर देवराज इंद्र ने, इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी की सलाह से देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करके उनके सम्मिलित रूप से एक अदम्य शक्ति यानी कि देवी का सर्जन किया। शक्ति स्वरूपा सिंहवाहिनी वह देवी लगातार नौ दिनों तक महिषासुर के साथ में भयानक युद्ध करती रही। सो जब तक नौ दिन महिषासुर से युद्ध जो देवी करती रही, सभी स्त्रियां और पुरुष उस सिंहवाहिनी की पूजा अर्चना नौ दिन तक करते रहे। महिषासुर के वध के साथ में प्रफुल्लित होकर उन्होंने कन्याओं को खिला पिलाकर दान दक्षिणा दी। इसी परंपरा का निर्वाह नवरात्रों में आज भी किया जाता है। अब तक आपने नवरात्रि के विषय में काफी कुछ देखा और समझ लिया और अब मैं आपको नवरात्रि के नौ दिनों में पूजी जाने वाली माताओं के नाम और उनके विषय के बारे में जानकारी दूंगा। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा ध्यान से देखें और समझें ताकि आप इस बार नवरात्रि में पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा कर सकें और माता का आशीर्वाद पा सकें। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। इन्हें हिमालय की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्ति का स्वरूप होती है और भगवान शिव की अर्धांगिनी कहलाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा
करने के बाद में देवी को सफेद लाल, सफेद और लाल रंग की कोई भी चीज जो उनको पसंद होती है वह उनको भेंट की जाती है। चाहे सफेद फूल हो या लाल रंग का फूल हो, वह उनको अर्पित किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद में माँ शैलपुत्री को गाय के दूध से बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। गाय के दूध से बने पकवान को मिठाई आदि चढ़ाई जा सकती है, यानी कि दूध से कोई भी, चाहे खीर हो चाहे दूध की बनी कोई मिठाई हो, यह माता को चढ़ाएंगे तो माता बहुत खुश होती है और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। साथ ही माँ भक्त के घर की दरिद्रता को दूर करके उसके घर की सभी सदस्यों को भी रोग मुक्त कर देती है। अब देखते हैं दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप का जो आविर्भाव है वह ब्रह्मा जी से हुआ था, जिसका नाम तप का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी भी माता पार्वती का ही स्वरूप है। माता का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, यानी दुर्गा माता का जो दूसरा रूप है वह ब्रह्मचारिणी माता का है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी शक्ति की पूजा की जाती है। बड़े ही सौम्य सरल स्वभाव स्वभाव वाली माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है। इन जो दिनों में पुष्पों ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते समय अगर आप ये इनको जो फूल पसंद है वह अर्पित करें तो माता बहुत खुश होती है। साथ में आप फूल भेंट करने के साथ में आप अगर भोग में चीनी है, मिश्री है या पंचामृत का भोग लगाएंगे माता को तो माता बहुत खुश रहती है। इन चीजों का उपयोग करने से माँ प्रसन्न होती है, जिससे लंबी उम्र और सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा बहादुरी और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप भी माँ चंद्रघंटा का ही होता है। तीसरे दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ देवी के भोग में उनकी जो पसंदीदा चीज है वह दूध या इनसे बनी चीजें होती हैं, मिठाई दूध की, और आप उनको भोग लगाएं जिससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है और सभी दुखों का नाश कर देती है। चौथा दिन नवरात्रि का होता है तो उसमें दुर्गा माता के चौथे रूप कुसुमांडा माता का होता है। किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि देवी कुसुमांडा ने अपने खिलखिलाहट से सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसी कारण समस्त जगत उनकी आराधना करता है। माँ दुर्गा के कुसुमांडा रूप की पूजा चौथे दिन की जाती है। इस दिन माँ देवी को मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे माँ जो है बुद्धि का विकास करती है और आशीर्वाद देती है। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। दुर्गा माता का जो पांचवा रूप होता है वह पांचवे दिन पूजा जाता है, उसका नाम होता है स्कंद माता। देवी देवताओं की सेना की प्रमुख देवी जो है स्कंद माता ही होती है, इसलिए नवरात्रा के पांचवे दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाना चाहिए या फिर इसे प्रसाद के रूप में दान किया जाना चाहिए। नवरात्रा के पांचवे दिन स्कंद माता की पूजा करके इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटे भी। छठा दिन होता है जो नव दुर्गा माता के छठे रूप कात्यायनी माता का होता है। माँ कात्यायनी शेर पर सवार होती है और उसके चार हाथ व तीन आंखें होती है। नवरात्रा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी कि शहद का भोग उनको लगाया जाता है। ऐसा करने से माँ साधक को सुंदरता और यौवन जो है वह प्रदान करने में मदद करती है। सातवां दिन होता है दुर्गा माता के काल रात्रि माता की रूप में, जो सातवें दिन उनका पूजा जाता है। काल रात्रि का अर्थ है अंधेरी रात। इस दिन देवी अपने भक्तों को साहसी होने में मदद करती है। माँ कालरात्रि के सार हाथ होते हैं। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित किया जाता है या फिर ब्राह्मण आदि किसी को भी शुद्ध आत्मा को या मंदिर के पुजारी आदि को जो है दान किया जाता है, गुड़ दान दिया जाता है। ऐसा करने से साधक जो है शोक मुक्त रहता है हमेशा। आठवां जो दिन होता है वह दुर्गा माता के आठवें रूप महागौरी का होता है। महागौरी की जो पूजा है वह आठवें दिन की जाती है। महागौरी दूध की तरह सफेद होती है, उन पर सोने के गहने बहुत अच्छे लगते हैं। देवी महागौरी को शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए नारियल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इस दिन नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से हर प्रकार की बाधाएं भी दूर हो जाती है।
नौवां दिन होता है जो नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, और दुर्गा माता का जो नौवां रूप होता है सिद्धिदात्री देवी का, वह तो नौवें दिन सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री में 8 सिद्धियां होती है। यह देवी कमल के फूल पर निवास करती है और इन्हें सभी संतों, योगियों, साधकों, सिद्धों, सिद्ध लोगों के द्वारा पूजा जाता है। इस दिन माता को नैवेद्य का भोग लगाया जाता है, जिससे पूरे घर में, पूरे साल पूरे घर में खूब अपार संपदा बनी रहती है। यह था नौ दुर्गा के रूपों के वर्णन और उनके भोग के बारे में, पूजा के बारे में जानकारी। अब मैं आपको यह बताता हूं कि नवरात्रि में क्या करें और क्या न करें। तो अच्छा करेंगे जो मैं कहूंगा कि ये नहीं करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करना है या करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने घर को हमेशा कलेश और अमंगल से बचाना है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है कि नवरात्रि के दिन आप ना करें, कुछ चीजें ऐसी है जो आप करें। सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या ना करें। नवरात्रि में श्यामा तुलसी तथा इसकी माला सफेद चंदन का प्रयोग ना करें। पुष्प में लाल, पीला, सफेद रंग के फूल ही उपयोग में ले। माता के जो पूजा करते हैं तो उसमें सिर्फ लाल, पीला और सफेद फूल, इन तीन रंग में से कोई भी रंग का फूल ले सकते हैं। गेंदे का फूल भी इसमें ले सकते हैं आप। केवल नवरात्रि के दौरान आप शाकाहारी रहें, हल्का भोजन खाएं, व्रत करें, उपवास करें और कोई फल फ्रूट दूध का आहार ग्रहण करें। मांस है, मदिरा है या कोई अन्य व्यसन है, इस प्रकार से आप बचें कि 9 दिनों में यह सब ना करें। इसके अलावा एक जानकारी और दे रहा हूं कि जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है समय की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं या करवा पाते हैं, वो लोग सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। यह दुर्गा सप्तशती के समान ही लाभ देता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्यायों और 700 श्लोकों में मंत्र होते हैं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बहुत पवित्र माना जाता है और यह कहा जाता है कि इस श्लोक का जाप पूरे मन और विश्वास के साथ करता है जो आदमी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। यह श्लोक दुर्गा सप्तशती से करने से लाभ मिलता है। यह थी आज के वीडियो में इस साल में अश्विन मास में नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी जो आपने देखी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को कमेंट में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा के लिए, माँ अम्बा के लिए, माँ लक्ष्मी माता के लिए, या आपके जो कुलदेवी माता है उनके लिए, या सरस्वती माता के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए नीचे उनका नाम लेकर जय माता दी अवश्य लिखे। अगले वीडियो में मैं नवरात्रि में किस राशि वालों को कैसे पूजा करना है यह डिटेल में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि वह आपकी राशि के अनुसार होगा। तो आप मेरा उस वीडियो को जरूर देखें और उसके अनुसार नवरात्रि में घट स्थापना करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय जिनेन्द्र।